ये लाल और काले की भी कथा है। अभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, अभी तो पूर्णावती हो गई आज। Thank you.
आशीन दयाशीन पवित्र पावन जगत पिता परमात्मा परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में एक ओर से वंदन करते हुए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक ओर से वंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में एक ओर से वंदन करते हुए मंचस्थ व्यास वृंद यति वृंद और गीता भवन ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण दूर दूर से पढ़ा रहे हुए परम पूज्य संत विद्वानगण भगवत चरणामागी सज्जनों भक्ति स्वरूपा देवी हो आइए कुछ क्षण के लिए भक्ति रूपी गंगा ज्ञान रूपी सरस्वती और कर्म रूपी यमुना का त्रिवेणी संगम यहाँ उपस्थित है। इस त्रिवेणी संगम में बड़ा सुंदर सरोवर यहाँ उपस्थित है। इस सरोवर में अपने मानस को विशुद्ध करना है, अपने मन को निर्मल करना है, अपने मन के चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। अभी हमारे साध्वी जी सत्संग की बड़ी सुंदर चर्चा भजन के माध्यम से सुना रही थी। कहा भाई मानव जीवन बहुत दुर्लभ तो है लेकिन सत्संग बहुत ही दुर्लभ है और हमारा मानव जीवन जो सत्संग में बीतता है यही हमारे जीवन का सबसे सार्थक समय है, बाकी सब निरर्थक है। इसीलिए संतों ने गाया है कि जिसके जीवन में मिला सत्य संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्य संग है उसके Mm-hmm.
मंगलमय नाम का संकीर्तन आप लोगों ने किया और कलयुग में कहा कि भगवान के नाम का संकीर्तन ही मानव जीवन को सुगंधित करने के लिए, आलोकित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए सबसे सरल साधन बताया गया है। हमारे गीता में पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कावे कुरुक्षेत्र के मैदान पर चर्चा भगवान कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं। कावे धर्म क्षेत्र अपने इंद्रियों का हम जब निग्रह कर लेते हैं हमारे अंदर धर्म क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इंद्रियों का निग्रह कर लेते धर्म क्षेत्र प्रारंभ होगा और जैसे हम अपने इंद्रियों का हम जब विषय का भोग करते हैं, विषय का चिंतन करते हैं तो कुरुक्षेत्र विषय मन नाम सही है। विश्वग्रह बहुत तेजी से अरे सुखदेव जी ऐसा भक्ता न भूतो न बस्ती, सुखदेव जी ऐसा भक्ता भगवत का सुना रहे हैं, परीक्षित ऐसा श्रोता श्रवण कर रहे हैं। फिर भी महाराज परीक्षित ने कहा महाराज आप बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं फिर भी मेरा मन विषयों की तरफ जा रहा है। सुखदेव जी ने क्या कहा जीता सनो जीते स्वासो जीते संगो जीते इंद्रिय की मन को नियंत्रित करने के लिए कहा इंद्रियों का सबसे मूल बात है इंद्रियों का निग्रह कर लेना। तो जैसे ही हम इंद्रियों का निग्रह करते हैं हमारे अंदर धर्म क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है और हमारा मन परमात्मा के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए श्री शिव जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण भक्ति परम श्रेय भाई गोविंद के चरणों में प्रेम हो जा कैसा प्रेम काम विहीन प्रेम हो जा काम विहीन प्रेम हो का गीता के जो चार प्रकार के भक्त बनाए गए हैं आप अगर भारती है जिज्ञासु है और ज्ञानी है ये चार प्रकार के भक्त निष्काम नहीं है सकाम भक्त है। आर्थिक जिज्ञासु ज्ञानी चारों सकाम भक्त है लेकिन भाई कहा यहां कह रहे हैं कि निष्काम भक्त जो काम विहीन प्रेम हो जाए यही मानव का सर्वोत्तम धर्म है। और मानसराज गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट कर दिया प्राणी चोर एक चौपाई बता दिया कि पुराण क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा गर्भे पुराण संत मत सकल सुकृत फल मैं सनी Oh,
जागे तथा रुक्मिणी तुमने आज दूध नहीं लाया
रुक्मणी ने कहा मैं दूध तो लाई थी लेकिन आप सो गए थे इसलिए वापस लेकर चली गई। मेरे कन्हैया की आंखें भर गई। का तुम कहा करती हो कि माँ की प्रशंसा क्यों करते हो? अरे आज मेरी माँ यशोदा होती तो मेरे पास बैठ करके मेरे चरणों को सहलाती। मेरा लाला जागेगा, मैं अपने लाला को दूध पिलाऊंगी तभी वापस जाऊंगी। अगर माँ होती तो आज मैं दूध पीने से वंचित नहीं रहता। घड़ी भी संकेत कर रही है कि आप बहुत आगे मत बढ़िए, समय अपने समय सीमा पर है। हमारे कहने का भाव कि परमात्मा के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जा, यही मानव का सर्वोत्तम धर्म है। लेकिन प्राप्त कैसे होगा का उसके लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रन भावा। कभी जब मन निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाएगा। और मन को निर्मल करने के लिए सबसे सरल, सबसे सर्वोत्तम, सबसे सर्वोत्कृष्ट अगर कोई साधन बताया गया तो कहा भाई कि भगवान के मंगलमय नाम का सृजन। मानसार गोस्वामी जी करे कि मानव जीवन सुंदर कैसे हो सकता है? सुंदर किसे कहते हैं? क्या हम बहुत गोरे हैं? क्या हम बहुत गोरी हैं? उसे सुंदर कहा जाता है? कहा भाई सुंदर कवन है जिसके चरित्र में सौंदर्य हो, सुंदर कवन है जिनके वाणी में सौंदर्य हो, सुंदर कवन है जिनके भाव में सौंदर्य हो, उसे सुंदर कहा जा सकता है। और मानसार गोस्वामी जी लिखा रहे कि सोई पावन सोई शोभा शरीरा जो मोचन श्री हनुमान जी महाराज की आशीष।
सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते श्री राम विश्वजीत त्रिपाठी जो बनारस से पढ़ाते हैं काशी मंदिर से